मैं कह रहा हूं कि इस देश में कोई भी लड़ाई स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई रही हो, इंदिरा गांधी के जुल्म के खिलाफ लड़ाई आंदोलन चला हो, कभी भी मुस्लिम दलित और सिखों को छोड़कर कोई आंदोलन सफल नहीं हो सका है। और आज इस समूह को नजरअंदाज किया जाना मैं समझता हूं कि भयानक राजनीतिक गलती है। आश्चर्य की बात, यह पहला मौका है कि लालू जी की उपस्थिति में माइनॉरिटी को इस तरह नजरअंदाज कर दिया गया, ये खेदजनक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूँ वसीम खान। देखिए, विपक्षी दलों के बैठक के बाद एक बार फिर से बिहार की सियासत गर्माती दिखाई दे रही है, सवालों के बौछार हो रहे हैं। और उसी बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के विधायक अख्तरुल ईमान ने जमकर निशाना साधा और कहा है कि बिना मुस्लिम और सिख के कभी भी कोई भी आंदोलन सफल नहीं हो सकता। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार को भी खूब सुनाया। सबसे पहले आप अख्तरुल ईमान को सुनिए कि इनका जो मकसद है वो देश को सामने में रखकर नहीं है, बल्कि सबका निज स्वार्थ कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ है। और अध्यादेश में चूंकि केजरीवाल जी का स्वार्थ जुड़ा हुआ था, इसलिए वो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ले आए थे और बाका पैसा दिया है। कोरोना काल में एंटी माइनॉरिटी जो उनकी एक्टिविटीज रही है वो भी सबके सामने में रही है। मैं कह रहा हूं कि इस देश में कोई भी लड़ाई स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई रही हो, इंदिरा गांधी के जुल्म के खिलाफ लड़ाई आंदोलन चला हो, कभी भी मुस्लिम दलित और सिखों को छोड़कर कोई आंदोलन सफल नहीं हो सका है। और आज इस समूह को नजरअंदाज किया जाना मैं समझता हूं कि भयानक राजनीतिक गलती है। समूह है इसमें उससे महरूम रह गया है जी, बिहार के मुस्लिम दलित तो लालू यादव को नेता मानते हैं। कब कब ये सर्टिफिकेट किसने दिया, किसने ये सर्टिफिकेट दे दिया? आपके कहने से ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा उनको हर एक, इसके माने ये है कि 75 सालों के दरमियान में भी दलितों के दरमियान में अपनी लीडरशिप और अपने मुद्दों पर बात करने की सलाहियत पैदा नहीं हुई? ये तो हैरत की बात है। क्या दलित समाज आज भी इतना दबा हुआ है कि उसके दर्द की आवाज भी दूसरा बयान करेगा? आपने ही अभी कहा कि लालू यादव नहीं करते रहे हैं, वो करते रहे हैं। और उसने अपने कार्यकाल में जब MI की वकालत करते रहे थे तो मुस्लिम चेहरों को भी सामने उसने रखा, लेकिन न जाने आज लालू जी पर कहीं तेजस्वी जी का जो मिजाज है वो कहीं हावी हो गया हो, ये आश्चर्य की बात है। मैंने तो अपने सियासी गुरु के बारे में कहा यह आश्चर्य की बात, ये पहला मौका है कि लालू जी की उपस्थिति में माइनॉरिटी को इस तरह नजरअंदाज कर दिया गया, ये खेदजनक है। जो आप लोग विपक्षी एकता की जो रूपरेखा बना रहे हैं वो धर्म के आधार पर बनाना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, धर्म के आधार पर नहीं, धर्म के आधार पर नहीं। मैं कह रहा हूं माइनॉरिटी को एक मौका दिया गया है, देश के अंदर में कमजोर तबके की नुमाइंदगी हो, इनके लिए रिजर्वेशन लाया गया है, SC ST के रिजर्वेशन लाया गया है। चूंकि जो समूह कमजोर है उसके लिए रिजर्वेशन का मौका है संविधान में, और उनको नजरअंदाज कर दिया गया है। और सारे आंकड़े बता रहे हैं कि जिसकी लीडरशिप सामने में नहीं आई है, जिन लोगों की सत्ते में साझेदारी नहीं रही है, वो समूह कमजोर हुआ है। इसलिए ऐसे समूह की नुमाइंदगी होना जरूरी है। मैं इस अंदाज से बात कर रहा हूँ, ये देश बनेगा तो सबके विकास से देश का विकास होगा। खास वर्गों को अगर आप छोड़ देंगे, अगर दुल्हन बहुत ही खूबसूरत हो, टांग उसकी टूटी हुई हो, तो दुल्हन खूबसूरत नहीं कहलाएगी। प्रधानमंत्री का तो पहले से भी ग्रैंड अलायंस बनाया हुआ है, मामला ये है कि वो हमारे कुछ घटक लोग हैं, कुछ घिसक गए हैं, हम अगर जरूरत पड़ी तो हम उसको फिर अस्त्रेनो उसको हरकत में लेकर आएंगे। लेकिन ये जो बना हुआ है क्या इससे आप सहमत हैं कि पूरे तौर पर पूर्ण हो गया? आप देख रहे हैं देश की बड़ी बड़ी 3 रियासतों में जहां आप देखेंगे कि आंध्र प्रदेश की नुमाइंदगी नहीं हो सकी, नहीं आ सके, वो रेडी नहीं आ सके। आप देखेंगे TRS नहीं इसमें आए, आप नहीं देखेंगे कि उड़ीसा की नुमाइंदगी इसमें हो सकी। तो ये देखेंगे कि ये अभी आधा अधोड़ा है। और मैं समझता हूँ कि देश में कोई भी गठबंधन ऐसा बनता हो जिसमें माइनॉरिटी को, दलितों को उसकी वाजिब हकदारी नहीं अगर दिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि वो गठबंधन नामुकम्मल है। अगर अभी भी आप लोगों को बुलाया जाए दावत में तो आप शामिल होंगे? भाई अभी बुलाया जाएगा, जब वो मौसम बदलता है तो मिजाज बदलता है। हम ऐसे लालची गरो नहीं है कि उनके लिए मुंह उठाए हुए हैं। हमें देश के जनता की हित है कि एक लार्जर अलायंस होना चाहिए, मतलब परस्तों का, मुफाद परस्तों का, निज स्वार्थियों का नहीं, देश की जनता के लिए बलिदान देने वालों का एक समूह जमा होना चाहिए। अगर विचारधारा मिलेगा, बात बैठकर होगी तो बात आगे बढ़ सकती है। आप करना क्या चाह रहे? यकीनन मेरी साहब, मेरा इल्जाम ही नहीं सबूत भी है कि बिहार ने मेजबानी। आपने सुना अख्तरुल ईमान को साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि
बिना मुस्लिम और सिख लीडर के कोई भी आंदोलन सफल रूप नहीं ले सकता है। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें केवल दिखावा है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।